नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 से 28 जनवरी के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। चौथी राशि लेते हैं कर्क। कर्क राशि 25 जनवरी के दिन आपका कोई कार्य अधर में लटक सकता है। इस दिन किसी कार्य में आई रुकावट को अस्थायी माने, वो परमानेंट नहीं होगी, नॉन परमानेंट होगी और इस वजह से आपको आत्मचिंतन करने का समय मिल जाएगा। 25 जनवरी के दिन जितना ज़्यादा आत्मचिंतन करेंगे आप, आत्मसंशोधना करेंगे यानी सेल्फ एनालिसिस करेंगे, उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे। इस दिन आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी धार्मिकता का विकास होगा, आपके अंतःकरण का भी विकास होगा, आपकी पर्सनैलिटी में भी कई सारे परिवर्तन आने के संयोग बन सकते हैं। 26 जनवरी के दिन किसी भी प्रकार का विवाद या समस्या अचानक ही सिर उठा सकती है। ऐसी परिस्थिति में जितना ज़्यादा शांत बने रहेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। इस दिन 26 तारीख को जानबूझकर किसी विवाद को निमंत्रण ना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जरूरत ना हो तो दूसरों के मामले में बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी नए कार्य को इस दिन ना शुरू करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो कार्य चल रहे हैं उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करें। 27 तारीख अपेक्षाकृत बड़ा बढ़िया दिन रहने वाला है। इस दिन आपका मिलनसार व्यक्तित्व आपको निखारेगा, दूसरे लोगों के लिए आप आकर्षण के केंद्र भी होंगे, लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। इस दिन आपके व्यवहार में एक ऐसी कुशलता होगी जो दूसरे लोगों को ऐसी नजर आएगी जिसकी वजह से वे आपके प्रति आकर्षित होंगे। 27 तारीख को आपके मन में बहुत सारे अनेक विचार आएंगे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों आएंगे। आप कई मामलों पर ऐसे निर्णयों तक या ऐसे निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं जिनमें आप प्रायः चूक जाते थे, लेकिन जरूरत के मुताबिक ही अपने मन की बात किसी के सामने कहें, आवश्यकता ना हो तो उस पर चुप रहें, ज़्यादा अच्छा है। कहीं कहीं हस्तक्षेप ना करना काफ़ी फायदेमंद हो जाता है, ये बात आपको 27 तारीख को समझ में आ जाएगी। 28 जनवरी का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपनी जरूरतों के लिए, अपने कार्य के लिए दूसरों का सहयोग चाहेंगे और ऐसे मामले में लोगों का सहयोग मिलेगा भी और नहीं भी, यानी कुछ का मिलेगा और कुछ का नहीं मिलेगा। सहयोग की प्रकृति व्यक्ति की ऐसी होती है कि जिसने उसका सहयोग किया है वही उसका सहयोग वापस करता है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि दूसरों के प्रति सहयोगात्मक रवैये को बढ़ाने का प्रयास करें। दूसरों को ये ना जताएं कि आप बिल्कुल ही उनको नज़रअंदाज करते हैं। 28 जनवरी के दिन अगर आपकी आलोचना की जाती है, खिंचाई होती है, ताने मारे जाते हैं या कहीं पर आपके बारे में कुछ निगेटिव बातचीत होती है तो उसमें अपने आप को समझने का प्रयास करें कि आपकी कहीं गलती तो नहीं है, आपकी गलती की वजह से ऐसी बातें तो नहीं हो रही हैं, और अगर आपकी गलती है तो उसे सुधारने का प्रयास भविष्य में जरूर करें। इन चारों दिनों में प्रेम संबंधों के लिए 25-26 अच्छी तिथियां नहीं हैं, 27 और 28 बढ़िया रहेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए भी 25-26 सामान्य हैं, 27-28 अच्छे हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो केवल 27 तारीख बढ़िया है, 25-26 और 28 अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 25 से 28 जनवरी के लिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।